आज हम बात करेंगे कि YouTube का एक नया फीचर है। नया फीचर का जब भी आप कोई नया चैनल बनाते हैं तो उस पे YouTube कुछ लिमिटेशन लगाता है, तो वो ये हम आप आज को दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये YouTube चैनल हमने कल ही बनाया था और इस पे कुछ वीडियो अपलोड की थी। आज जब हम इस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो ये एरर शो कर रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या एरर शो कर रहा है। जैसे ही आप वीडियो अपलोडिंग पे सेलेक्ट करेंगे फाइल और अपलोड करेंगे, डेली अपलोड लिमिट रीच, अपलोड मोर वीडियो डेली आफ्टर ए वन टाइम वेरिफिकेशन और वेट फॉर 24 आवर्स। तो यहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वन टाइम वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछता है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन है वेरीफिकेशन के, यूज वीडियो वेरीफिकेशन, ये आप कैमरे के सामने आपको आना पड़ेगा, फ़ोन कैमरे के, लुकिंग इन टू योर कैमरा, 30 सेकेंड की वीडियो बनानी पड़ेगी। दूसरा जो तरीका है वैलिड आईडी के हिसाब से, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसका भी यूजुअली 1 दिन का टाइम होता है वेरिफिकेशन का। तीसरा है जो जब से बिल्ड योर चैनल हिस्ट्री अप्रूवल टाइम अप टू 2 मंथ ऑटोमेटिकली एज यूर कंटिन्यू टू ग्रो योर चैनल एंड फॉलो द कम्युनिटी गाइडलाइंस। ये है मतलब कि आप भाई अपने चैनल पे काम करते रहो और ये डेली की लिमिट हट जाएगी, स्टार्टिंग में कुछ लिमिट है। तो हम इस पे यूज योर वैलिड आईडी कर देते हैं। वैलिड आईडी पे करने के बाद हम इस पे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे वेरीफाई आईडी के लिए मांगेगा, पहले फ़ोन वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, तो एक बार हम फ़ोन वेरिफिकेशन डाल देते हैं। यहाँ पे हमारा ओटीपी आ गया, हमने मोबाइल नंबर डाल दिया है, अब इसको हम सबमिट कर देंगे। तो फ़ोन वेरिफिकेशन हमारी डन हो चुकी है, इसको कर देते हैं अभी हम बंद और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। ये शायद दोबारा फ़ोन वेरिफिकेशन पे जाएगा, ये हो चुका है। आईडी वेरिफिकेशन से पहले ज़रूरी है कि आप फ़ोन वेरिफिकेशन करो, तो ये फ़ोन वेरिफिकेशन हमने कर दिया है, इसको एक बार हम दोबारा करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वेरीफाई पे, तो यहाँ पे हम यूज योर वैलिड आईडी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो गेट ईमेल टू स्टार्ट वेरिफिकेशन और योर फ़ोन, गूगल इज सेंडिंग द वेरीफिकेशन लिंक टू दिस ईमेल आईडी, ओपन इट योर फ़ोन एंड स्टार्ट वेरीफिकेशन यूजिंग योर फ़ोन कैमरा। हम तो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, इसके बाद हमारे फ़ोन में जो भी इनका अपलोड लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा और वहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे।